खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आइए नजर डालते हैं ललितपुर की आज की कुछ फटाफट की प्रमुख खबरों पर। ये मामला ललितपुर जिले के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां एक विधवा पीड़ित महिला अपने परिवार सहित शहर की हृदय स्थली घंटाघर पर धरने पर बैठी है। विधवा महिला ने आरोप लगाया कि शहर के नामी गिरामी भूमाफियाओं द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कराया जा रहा है, जिसके विरोध में वह न्याय की आस में शहर के घंटाघर पर आमरण अनशन पर बैठी है। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। मैं निवासी हूँ और मेरा जमीन संबंध है, जो मेरे पति ने जमीन खरीदी थी साथ खरीदी थी और मेरी जमीन अभी कहीं पड़ी है और ये तमंग लोग हैं जो अभी खड़ी जावेद अजय सामिया इन लोग मेरी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। मैंने तार फैन चेंज भी कराई थी 22 तारीख में, तो वो भी निकाल ले गए, चोरी कर ले, गाली गलौज की और धक्का मुक्की थी और डीएम साहब ने थाना दिवस में टीम गठित की थी, उन्होंने टीम गठित फेल कर दी और तहसीलदार और लेखपाल के द्वारा गलत रिपोर्ट लगाई गई। परेशान हूँ, मुझे ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, जान समान लेकर लगातार दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है, जिलाधिकारी से निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपने बच्चों को और मैं बच्चों समेत बच्चों में यहाँ पढ़ाई कर रही ललितपुर में आज कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई पर विरोध जताते हुए डीजल पेट्रोल गैस के दामों बेताशा वृद्धि और कृषि कानून बिल के विरोध में कांग्रेसियों ने सड़क पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। उन्होंने ये प्रदर्शन शहर कार्यालय से शुरू कर राजघाट रोड स्थित पिसनारी बाग पेट्रोल पंप पर जाकर समाप्त किया। देखिए ये मामला ललितपुर जिले के थाना बार अंतर्गत चिगलौवा पुलिस चौकी क्षेत्र का है, जहां एक पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे चोरी के शक में बुलाकर उसके साथ मारपीट कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसको लेकर कल पुलिस कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया था, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर पीड़ित व्यक्ति अपने परिवार सहित आज शहर की हृदय स्थली घंटाघर चौराहे पर धरने पर आज फिर बैठ गया और न्याय की गुहार लगाई। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए। जो हमें पिता सामान उठा के ले गई, हमें मारपीट कही, रात में हमें दबाया चपाया, कोई हमारी सुनाई नहीं साहब, कैसे कहता है कोई साहब दे देता है, कोई सुनाई नहीं गई साहब, निर्णय चाहते निर्णय चाहते साहब। आरोपियों पे अभी कोई कार्रवाई नहीं, नहीं कोई नहीं सुनाई नहीं साहब हमारी। ये घटना एक दुकान की साझेदारी समाप्त होने पर शेष लेन देन के बकाया निकले रुपए वापस मांगने पर विगत 23 फरवरी को नगर के प्रधान डाकघर के पीछे बने मार्केट में सायंकाल की है, जब धन्य कुमार जैन ने अपने साझेदार से अपनी बकाया राशि मांगी तो बकाया दार के पिता व पुत्र मारपीट करने लगे एवं जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज की। पीड़ित ने उक्त मामले की शिकायत सदर कोतवाली में दी, जिससे रंजिश रखते हुए साझेदार पीयूष उर्व पीलू जैन और उनकी माँ बहन सहित 4-5 अज्ञातों ने पुनः 24 फरवरी की सुबह लगभग 10 बजे के दौरान बाहुबली नगर स्थित धन्य कुमार जैन के घर में घुसकर दबंगता के साथ मारपीट करने लगे और घरेलू सामान को तहस नहस कर दिया तथा गले की चैन छीन ली और जाते जाते कहा कि अगर पुलिस में शिकायत की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसी दौरान पीड़ित के शोर मचाने पर वह भाग खड़े हुए। पीड़ित ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को बुलाया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच की तो वहीं पीड़ित फरियादी ने सदर कोतवाली में उक्त घटना की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराते हुए धनराशि वापस दिलाए जाने एवं जान माल की सुरक्षा को लेकर कोतवाली पुलिस से गुहार भी लगाई, लेकिन 2 बार घटना होने पर भी पुलिस द्वारा कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित धन्य कुमार जैन ने पुलिस अधीक्षक को एक और शिकायत पत्र देते हुए बताया कि विपक्षी गण जबरन समझौता करने पर दबाव बना रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। समस्या ये, मैंने ज्ञापन दिए थे, मेरे पीयूष जैन और उनकी मम्मी संगीता जैन, बहन नैन्सी जैन मेरे घर पे आए, तोड़फोड़ की, मैंने उसकी शिकायत की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए मैं आज एस पी साहब को ज्ञापन देने आया हूँ। क्या है समस्या किस? मैं भी उनसे पार्टनर अच्छी दुकान की, दुकान की पार्टनर खत्म हो गई थी 3 महीने पहले, उसके बाद वो मेरे पास कपड़े लेने आया, मैंने उसके पैसे मांगे, फिर वो दोबारा से हिसाब मांगने लगे, मैंने हिसाब दिया, मेरे 360,000 रुपये लेने निकल रहे हैं। जब मैंने उनसे 360,000 रुपये मांगे तो उन्होंने मुझसे गाली गलौज की, मारपीट की और धमकी देकर, जान की से मारने की धमकी देकर चले गए। अब वो ये कह रहे हैं या तो तुम कार्रवाई बंद कर दो पुलिस की, नहीं तो हम उल्टा केस दर्ज करा देंगे तुम्हारे, पुलिस नहीं सुनवाई कर रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
सदर कोतवाली और सदर चौकी घंटाघर के पास। अभी तक कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं। आज आप कहाँ आए? एसपी साहब के ऑफिस में आए हैं। क्या मांगे आप? कार्रवाई करने की, उचित कार्रवाई करें, जो भी कानूनी कार्रवाई ठीक लगे। ललितपुर जीएसटी का नया कानून बनाकर व्यापारियों को राहत पहुंचाने को लेकर राष्ट्रीय आह्वान पर समाजवादी व्यापार सभा ने जिलाध्यक्ष प्रदीप जैन चिगलोवा के नेतृत्व में प्रदेश की महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में जीएसटी को विसंगतिपूर्ण बताते हुए उन्होंने नया कानून बनाए जाने की मांग उठाई। ललितपुर में गुरुवार को एक पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई, जहां पुलिस एक बंदी को कोर्ट ले जा रही थी कि अचानक मुलजिम की डिमांड पर पुलिसकर्मियों ने कैदी को ठेले पर चाट खाने के लिए छोड़ दिया और फिर वह अपनी अपनी गप्पों में व्यस्त हो गए। तो भला ऐसा सुनहरा मौका पाकर मुलजिम क्यों ना हो भागने में सफल। पुलिस की इस बड़ी लापरवाही से आए दिन कहीं ना कहीं कैदियों के भागने की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है, जिसमें कई जिलों की पुलिस की पूरे प्रदेश में किरकिरी भी खूब हो रही है। जैसा कि आपको बता दें कि गुरुवार को अस्पताल रोड से एक कैदी को कोर्ट ले जाया जा रहा था, जिसे हाथ में हथकड़ी बांधकर पुलिसकर्मी अपने साथ ले जा रहे थे। इस दौरान पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली, जो मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। अब देखना यह है कि ऐसे लापरवाही पुलिस कर्मियों पर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई अमल में लाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए इस पूरी रिपोर्ट को। उत्तर प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ललितपुर जिला अध्यक्ष पवन तिवारी के नेतृत्व में जिलाधिकारी को दिया गया ज्ञापन में बार जीआईसी प्राचार्य को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। ललितपुर में अहिंसा सेवा संगठन का त्रैवार्षिक अधिवेशन आज तहसील तालबेड़ क्षेत्र में स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र पावागिरी में चल रहे 96 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान एवं अखंड पाठ के 48वें दिन अहिंसा सेवा संगठन के तत्वाधान में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होंगे। देर रात ललितपुर झांसी हाईवे के थाना जकौरा अंतर्गत बांसी पुलिस चौकी के भोरनसील गांव के पास किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार युवक का सिर कुचलने से मौके पर ही दर्दनाक मौत। मृतक युवक का नाम सहदेव यादव पुत्र श्रीपत यादव निवासी थाना शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चौका भाग बताया जा रहा है, जो अपनी बाइक यूपी 94Z4934 से वापस ललितपुर की तरफ आ रहा था कि अचानक वह इस दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसे हाईवे एम्बुलेंस से ललितपुर के जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पुलिस ने परिजनों को दी तथा शव को जिला अस्पताल परिसर स्थित मोर्चरी में रखवा दिया गया है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रायगवार के साथ महेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.